चलिए चलिए। नमस्कार, मैं हूं कुमार गौतम और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। ये राजधानी पटना है, कोई समुद्र का इलाका नहीं, लेकिन जो लहरें गाड़ियों से होकर गुजरती है तो नजारा कुछ ऐसा ही होता है। और इस वक्त देखिए कि बोरिंग रोड के तमाम वो लड़के इंतजार कर रहे हैं कि कब पानी थमेगी और बारिश का पानी निकलेगा। फिलहाल नगर निगम की नई टीम, नगर निगम की नई टीम इसलिए क्योंकि ड्रेस मिल गया है नगर निगम के लोगों को। एक नए ड्रेस में आप देख सकते हैं कि नगर निगम के लोग बारिश का पानी निकालने में जुटे हैं, छाता लगाए लोग उनकी मदद में जुटे हैं और तमाम वो लोग हैं इस वक्त। और देख सकते हैं ये नज़ारा है सबसे पटना के पॉश इलाका माने जाने वाले बोरिंग रोड का, जहां के तमाम युवक इस वक्त अपने अपने घरों से निकले हैं क्योंकि पानी निकालना किसी मुहिम से कम नहीं है। और इस बीच आप देखें कि बहुत सारे लड़के उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कब से ये स्थितियाँ बनी हुई है? ये देख रहे हैं दो दिन से काफी ज्यादा पानी हो गया है और सबसे बड़ा इलाका है बोरिंग रोड, जहाँ तक आप लोग सब जानते होंगे। अब देखिए क्या स्थिति है, लगभग 5 घंटे से ये लोग काम कर रहे हैं, पानी नहीं निकला है। देखिए लगातार पानी बढ़ते जा रहा है, आदमी कब उलट जाएगा, कहाँ चल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल, तो देखा आपने कि ये आलम है इस वक्त राजधानी पटना के बोरिंग रोड का। 72 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बीच में अब घर से लोग निकलकर किसी तरीके से मशक्कत में लगे हैं कि पानी को निकाला जाए। फिलहाल हम आपको बता दें कि 5 घंटे से नगर निगम की नई टीम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नए ड्रेस कोड के साथ नगर निगम की टीम आई है, देखते हैं क्या कुछ कर पाती है। लेकिन आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि पानी स्मार्ट सिटी बनने में चाहे जितना भी वक्त लगे, स्मार्ट सिटी बनने में चाहे जितना टाइम लगे, लेकिन अभी स्मार्ट होने में बहुत समय लगेगा। और पटना नगर निगम की टीम आप देख सकते हैं सिटी ऑफ पटना, पानी निकालने में ये जद्दोजहद है। इस तरीके से युवा साथी भी मानते हैं राजधानी पटना को स्मार्ट बनाने के लिए एक आत्मविश्वास चाहिए। सहयोगी हीरा के साथ कुमार गौतम, एबी न्यूज पटना, बोरिंग रोड।